हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज का यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो आने वाले 10th या 12th के एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं। आप भी जानते हैं बोर्ड एग्जाम्स ज़्यादा दूर नहीं है और स्टूडेंट्स पर एग्ज़ाम का प्रेशर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही हैं कि एग्ज़ाम प्रिपरेशन कैसे करें, पैटर्न क्या आएगा इस बार, अगर हमें रिविज़न करना हो तो हम क्या फॉलो करें, किस तरह के क्वेश्चन सेट को फॉलो करें, या मार्किंग में हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ, उस चीज़ को हम क्या करें जिससे हम अच्छे से और ज़्यादा बेहतर तरीके से एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाएँ। हमारे पास आपके सारे क्वेश्चंस का एक ही आंसर है और वो है फुल मार्क्स प्राइवेट लिमिटेड की सुपर 20 सैम्पल पेपर सीरीज की बुक्स। 12th के हो या 10th के, दोनों हमें ही मैक्सिमम सब्जेक्ट्स को कवर करके ये सीरीज तैयार की गई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो एडिशन निकाला गया है ये बिल्कुल लेटेस्ट 2019-20 का जो CBSE का पैटर्न है उस पर बनाया गया है। तो अब हम आपको एक एक करके इनके फीचर्स बताते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इससे हेल्प मिल सके। 10th और 12th स्टैंडर्ड के मैक्सिमम सब्जेक्ट्स इस सीरीज में कवर किए गए हैं। इस वीडियो में एग्जाम्पल के लिए हम आपको 10th और 12th की इंग्लिश और 10th की जो सोशल साइंस है उसके फीचर्स के बारे में बता रहे हैं। बाकी जो सीरीज़ की और बुक्स हैं उनमें भी मोर ऑर लेस सिमिलर फीचर्स ही आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आते हैं इनके कंटेंट्स पे। कंटेंट्स में आपके पास 10 सॉल्व सैम्पल पेपर्स हैं और 10 अनसॉल्व सैम्पल पेपर्स हैं जिनमें आपकी मदद के लिए हिंट्स और आंसर्स भी दिए गए हैं। आप पूरे साल तो पढ़ाई करते हैं लेकिन अब इनकी हम हेल्प कैसे लें? तो सबसे पहले सॉल्व पेपर से आप ये तैयार कर लीजिए कि पैटर्न कैसा होगा, मार्किंग हम किस तरह से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। फिर इसके बाद जब आप श्योर हो जाएं कि हाँ हम अच्छे से प्रिपेयर हो चुके हैं, उसके बाद जो इसके अनसॉल्व पेपर्स हैं उसकी मदद से आप अपना प्री एग्ज़ाम परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। जो भी टाइम ड्यूरेशन होता है एग्ज़ाम का उसके अंदर आप इस पूरे अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करें। क्या होगा, जब आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में माइंड में ऑलरेडी सेट होगा कि क्या क्या किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से हमें टाइम लिमिट में उसको कंप्लीट करना है। और फॉर श्योर कह सकते हैं आप भी पूरी तरह से कन्फर्म्ड होंगे कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इंग्लिश का 10th और 12th का जो सैम्पल पेपर 1 दिया हुआ है उसमें आपको ये पता चल जाएगा सेक्शन 1 जो सेक्शन ए है वो रीडिंग सेक्शन है, उसमें 20 मार्क्स का आपको एक तरह से अपीयर करेंगे आप 20 मार्क्स के लिए। फिर सेक्शन बी जो है वो राइटिंग स्किल्स है 30 मार्क्स की, और सेक्शन सी जो है वो लिटरेचर टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है वो भी है आपका 30 मार्क्स का। सेम वे सोशल साइंस की जो बुक है उसमें जो फर्स्ट सेक्शन है सेक्शन ए वो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे, सेक्शन बी जो होगा वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का है, सेक्शन सी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं, और इसके साथ आपको मैप स्किल बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो भी मिल जाएंगे। ये तो आपके सैम्पल पेपर्स, इस तरीके के 10 सैम्पल पेपर्स जो दिए गए हैं सॉल्व। फिर 11 से 16 तक आप देखेंगे अनसॉल्व सैम्पल पेपर्स हैं। जो सैम्पल पेपर 17 है ये CBSE बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2019 दिल्ली का है, और आपके लिए इसको बिल्कुल जैसे लेटेस्ट जो सैम्पल पेपर 2020 में आना है उसके फॉर्म में तैयार करके आपको दिया गया है। सेम वे मार्किंग स्कीम दी गई है कि किस तरीके से CBSE बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर 2019 की मार्किंग हुई थी उसकी हिसाब से अब 2020 में कैसी होगी उसके बारे में आपको पूरा आइडिया इससे मिल जाएगा। इसके अलावा सैम्पल पेपर 18 जो है वो भी अगेन CBSE बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2019 ऑल इंडिया का है और मार्किंग भी उसी के हिसाब से दी गई है, पर ट्रांसफॉर्म आपके लिए किया गया है ताकि 2020 में जब आप अपीयर हों तो आप बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न को फॉलो कर सकें। फिर इसके अलावा है सैम्पल पेपर 19 जो कि CBSE का क्वेश्चन पेपर है 2019-20 के लिए, और साथ ही साथ आपको मार्किंग भी दी गई है। इसके अलावा एक सैम्पल पेपर 20 है जो कि एक मॉक टेस्ट पेपर है। लास्ट में आपको
मॉडल आंसर्स दिए गए हैं टॉपर कैंडिडेट द्वारा, जो CBSE क्वेश्चन पेपर ऑल इंडिया 2018 में अपीयर हुए थे। उन्होंने जिस तरह से पेपर को सॉल्व किया था, पूरा का पूरा डिटेल आपको दिया गया है, तो आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है कि किस तरीके से आंसर्स को लिखना है। तो आप ये सुपर 20 सैम्पल सीरीज़ की जो बुक्स हैं, इनको ज़रूर लें, इसी से प्रिपेयर करें और अपनी पूरी तैयारी करें, एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएं। और जब आप इन बुक्स को पढ़ें तो आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, इस बारे में हमें ज़रूर कमेंट करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, कीप गोइंग, बाय।